हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपके पास में इस कंपनी का स्टॉक है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 19 करोड़ रुपीस का है। कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है ये 50.09 रुपीस है, और कंपनी का जो 52 वीक का हाई है ये भी 50.09 रुपीस है। अब दोस्तों, इस कंपनी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, कंपनी ने हाल ही के अंदर 1:10 के रेशो में स्प्लिट्स की घोषणा की है, यानी कि जिस किसी के पास भी इस कंपनी का एक शेयर है उसके पास में इस कंपनी के 10 शेयर हो जाएंगे, और कंपनी के जो शेयर की प्राइस है ये भी 10 गुना कम हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी टाइम टू टाइम पाने के लिए आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज शेयर मार्केट रिपोर्ट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये भी पॉसिबल है कि जिस समय पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस कंपनी के शेयरों का स्प्लिट्स हो चुका हो। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग के बारे में। तो इस कंपनी में आपको सिर्फ एक ही तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी, वो है रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी का जो पीई रेशो है ये 4.06 का है, और इस सेक्टर का जो पीई रेशो है ये 113.16 का है। कंपनी का पीवी रेशो 2.04 का है। कंपनी का आरओई 5.37% का है। कंपनी का आरओसीई 7.24% का है, और ये कंपनी अपने निवेशकों को कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी का डेप टू इक्विटी 0.01 का है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कंपनी में प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी की ईयर वाइज रिपोर्ट देख लेते हैं। 2023 में कंपनी को 0.21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि 2022 में कंपनी को 0.01 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि 2022 की तुलना में 2023 में कंपनी को एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर वाइज रिपोर्ट के बारे में। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 में कंपनी को 3.45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि दिसंबर 2022 में कंपनी को 0.32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि दिसंबर 2023 में कंपनी को दिसंबर 2022 की तुलना में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब दोस्तों, हम कंपनी की शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 2016 से लेके अभी तक इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 282% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 215% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 368% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 283% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में 27% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 दिनों में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 14% का रिटर्न दिया है। आपने फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित आंकड़े अभी देखे हैं। आपने यहां पर यह देखा है कि इस कंपनी के शेयर का 1:10 के रेशो में स्प्लिट्स होना है, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के लिए और कंपनी के निवेशकों के लिए एक गुड न्यूज साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी के अंदर हमें सिर्फ एक ही तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का जो पीई रेशो है ये भी अच्छे तरीके से मेंटेन है। कंपनी अपने निवेशकों को कोई भी डिविडेंड नहीं देती है, और कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी है ये काफ़ी लो है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट देखते हैं और हम कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर की रिपोर्ट को पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट से कंपेयर करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि कंपनी जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी जो है अपने निवेशकों को भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। बाकी आप लोग किसी भी कंपनी में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, और खुद भी एक बार डिटेल में अच्छे तरीके से रिसर्च और स्टडी जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम शेयर मार्केट रिपोर्ट है, अगर इसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और साथ ही बगल में जो बेल का आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।